नशे के खिलाफ मुहिम को तेज करते हुए जम्मू पुलिस ने रेशम घर कॉलोनी में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि नशा तस्करी के मामले में कुछ दिन पहले 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनमें से एक खातून भी शामिल थी। खातून से पूछताछ के बाद रेशम घर कॉलोनी वाके एक घर में पुलिस ने छापेमारी कर ड्रग्स और वजन करने वाली मशीन मिली। वहीं मामले में जानकारी देते हुए SDPO जहीर ने कहा है कि ड्रग्स से जुड़े मामलों में पकड़े गए नशा तस्करों के घरों की तलाशी ली जा रही है। बता दें कि जम्मू पुलिस ने शहर की शोध अलग अलग हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जहां ड्रग्स की ज्यादा तस्करी होती है। पुलिस ने इन खास दस्ते इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हैं। बता दें कि नशा बेचने और नशा लेने वालों पर पुलिस इस समय काफी सख्त नजर बना रही है। जो है वो ड्रग्स में पकड़ी गई है, तो उसके इंकशाफ पे कुछ अंदर सर्च की है, अंदर जो चीज मिली है, जो चीजें उनका भी मजिस्ट्रेट साहब साथ में हमारे, उसका वजन करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है, और वो तो FSL के बाद ही उसका रेशो पता चलेगा कि ये क्या है। चीजें जो है रिकवर हुई है। मैं समय जम्मू के रेशम घर कॉलोनी में हूँ। यहाँ पर जम्मू पुलिस ने एक घर में जो है दबिश डाली है। आपको बताऊं कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था ड्रग्स को लेकर, मामले को लेकर, उसमें से एक महिला थी। महिला का घर है यहाँ पर, और फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, इलाके के जो SDPO हैं और कंसर्न थाने के SHO हैं, वो इस घर में पहुंचे हैं, जो कि यहाँ पर अंदर रेड डाल रहे हैं। पूरे सामान की जो है वो तलाशी ली गई है, और अभी फिलहाल जानकारी के मुताबिक पुलिस को कुछ इस तरह का सामान मिला है, जो नशे का जो सामान है वो हो सकता है। हालांकि FSL की टीम को वो भेजा जाएगा, उसके बाद जब पूरी जाँच पता चलेगा कि क्या वो चीज है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से लगातार ड्रग्स के खिलाफ जम्मू पुलिस जो है वो समय सख्त नजर आ रही है, तो उसी को देखते हुए आज जो है रेशम घर कॉलोनी में जो है इस घर में जो है पुलिस रेड डाल रही है। वहीं कल एक पत्रकार वार्ता में SSP जम्मू ने बताया कि लगभग 14 जो है वो जो है हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जो कि ड्रग्स को लेकर देखे गए एरिया है, जहां पर ज्यादा ड्रग्स की सप्लाई होती है या फिर कंजम्पशन होता है, तो उसको देखते हुए पुलिस अब लगातार एक्शन में है। वहीं जम्मू के रेशम घर कॉलोनी में इस रेड से जो है इलाके में एक और सनसनी है। वहीं पुलिस लगातार जो ड्रग्स है उसको बेचने वालों की या फिर कंज्यूम करने वालों की जो है वो धरपकड़ में लगी हुई है। जम्मू से KCTV के लिए ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।